आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट्स, एक्जियोम्स, थ्योरम्स एंड कोरोलरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर पाए कि ये सही है या फिर गलत है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। जिसको हम जज कर पाए सही है या फिर गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्रेंगल के एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये बात एकदम, यानी ये सेंटेंस एकदम सही है, इज ए ट्रू स्टेटमेंट। यानी इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट हो, जिसको हम जज कर पाए कि हाँ ये सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए 360 डिग्री, सॉरी इज ए 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, जो कि एकदम से गलत है। क्या कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पर हम क्या लिखे, 180 डिग्री। यानी हम जज कर लिए हाँ ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है, फॉल्स है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बट एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 10 इज ए सेंटेंस। ठीक है, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 10, अब इसको हम जज नहीं कर पा रहे कैसे, तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 10 ये जो डिपेंड कर रहा है किस पर, x के वैल्यू पर। यदि हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस 5 ग्रेटर देन 10 नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, 7, जो कि लेस देन 10 है। इसका मतलब कि यहाँ पर तो इसको हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन अब x का वैल्यू अगर हम 6 रख रहे हैं तो ये हो रहा है क्या, 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 10, ये हो गया 11 ग्रेटर देन 10, जो कि सही है। यानी ये सेंटेंस जो है इसको हम सही से जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है या फिर गलत है, ये डिपेंड कर रहा है एक्स के वैल्यू पर। ठीक है, इसलिए इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, सेंटेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्जियोम्स। एक्जियोम्स क्या होता है, द स्टेटमेंट। ठीक है, द स्टेटमेंट सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, विच आर टेकन फॉर गारंटेड विदाउट प्रूफ और कॉल्ड आर कॉल्ड एक्जियोम्स। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कि गारंटी हो बिना किसी प्रूफ का। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या, वो सही हो। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम सही या फिर गलत जज कर पाए, ठीक है, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्जियम्स बोलेंगे, कब, जब उसका कोई भी बिना किसी प्रूफ का उसका कोई गारंटी हो। जैसे हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, यानी कोई भी चीज़ का आधा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर अगर ये लाइन है तो इस 10 सेंटीमीटर लाइन का हाफ जो होगा, ये हाफ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इस हाफ का जो आधा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस हाफ का यानी 10 का हाफ 5 हो गया और इस 5 का हाफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जियम्स बोलते हैं। द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स, जैसे कि एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल एंगल अगर हम बोल दें 60 डिग्री है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स, अगर इसको हम यहाँ से बोल दें एक ये एंगल और एक ये एंगल, इसको हम मान लेते हैं 20 डिग्री और ये 40 डिग्री है, यानी होल जो है, ये होल यानी कि 60 डिग्री टोटल जो है, 60 डिग्री कम्प्लीट। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है ये जो है, इसको हम दो पार्ट में बांट दिए। ठीक है, एक 40 डिग्री एंगल और एक 20 डिग्री एंगल। ये जो है 60 डिग्री, ये इसके दोनों पार्ट से क्या है, ये इसके दोनों पार्ट से क्या है, बड़ा है, यानी कि 60 डिग्री ग्रेटर देन 40 डिग्री और 60 डिग्री ग्रेटर देन 20 डिग्री, यही बोल रहा है, द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट, ए लाइन कंटेंस इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स, यानी इन सभी एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए हैं, इस सभी का क्या है, कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसका हम कहीं पर यूज करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्जियम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको कि प्रूफ करने का जरूरी पड़ता है। ठीक है, इज कॉल्ड ए थ्योरम, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। एस्टेब्लाइजिंग द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम, जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, प्रूविंग द थ्योरम। एग्जाम्पल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। अब क्या है कोरोलरी, स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजिली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम इज कॉल्ड
इट्स कोरोलरी। जब हम किसी भी थ्योरम का हेल्प लेकर के, ठीक है, किसी और स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करेंगे, उसको सही साबित करेंगे, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं। यानी कि जो हम थ्योरम यहाँ पर जो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे उसी का यूज करके अदर किसी किसी और थ्योरम को अगर हम प्रूफ करते हैं, किसी और स्टेटमेंट को अगर हम सही प्रूफ करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं।